हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आपका एग्ज़ाम सिटी भी बहुत सारे लोगों को पता चल चुकी है। कुछ लोगों का जो था वो नहीं आ पा रहा था कल, लेकिन अब आ गया होगा सबका ही, है ना? तो सबको पता चल चुका है, सेंटर थोड़े दूर भी गए हैं। तो उम्मीद है अब आप लोग तैयारी में जुट जाएंगे। ये 4-5 दिन जी जान लगा दीजिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम की मेहनत आपके काम आती है। क्योंकि लास्ट टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वही आपको करना है, ठीक है? बाकी आप लोगों के लिए मैराथन चलाई जा रही है, ठीक है? मैराथन इसलिए चलाई जा रही है ताकि आपके उसमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो उन क्लासेस को ज़रूर देखना, ठीक है? मिस मत करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट देना ज़रूरी होता है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट दीजिए। और बच्चे मेरे पास कमेंट भी करते हैं तो उनके 33 सही हो पा रहे हैं, तो वेल डन। जिन बच्चों के 33, 34, 35 सही हो रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट से, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखना, मैं गारंटी देती हूँ उनके एग्ज़ाम में भी इतने ही क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने प्रैक्टिस सेट ही लगा लिए तो उन्हें आइडिया हो गया कितने सही होने हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे कहा जाता है। ये मैंने कितनी बार कराया है, मैंने भाषाओं से रिलेटेड भी क्लास करा दी आपको, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले। जो भाषा है, जो हमारी भाषाओं से रिलेटेड जितनी होती हैं, पत्र, जो पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड हो गई, और आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, जो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं ना, जिन्हों में जैसे कौन सा पत्र है, शासकीय पत्र है, या वो वाली क्लास भी करा दी है, ठीक है? तो जाके देख लें आप लोग, ठीक है? कुछ भी मिस ना करें क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहते हैं बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैंने कराया है तो आपने आंसर दिया। भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है, बताइए? भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है, लिपि का, भाव का, ध्वनि का, या ज्ञान का, बताइए? तो किसका होता है भाई? देखिए, जब भाषा होती है उसमें सबसे अधिक महत्व होता है लिपि का, कि कौन सी लिपि है, ठीक है, कौन सी लिपि है, ऑप्शन ए। उसके बाद ध्वनि वगैरह का होता है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है, बताइए? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343, 343 के अकॉर्डिंग जो हमारी संघ की राजभाषा और लिपि जो है वो देवनागरी है, ठीक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण घोष पूछा है, ठीक है, बताइए कौन सा घोष है? प, ठ, द, फ, बताइए। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पा, है ना? ठीक है, पा, ठीक है, याद रखेंगे प, फ, ये वाला, ठीक है? तो इसमें पा जो है, ठ, द, ये फा, ये क्या नहीं है, ये आपके घोष नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, भाई? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बताइए? तो उन्हें अकारांत कहते हैं, भाई साफ साफ याद रख लो, आता है तो अकारांत, आता है तो उन्हें अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन स्वर नहीं है, अब इसमें से बताइए आप कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, बताइए, बताइए कौन सा स्वर नहीं है? देखा, आ, उ, ए, बा आपका स्वर नहीं है, बा क्या है, व्यंजन है। ऑप्शन 44 का डी आंसर ठीक हो गया, 44 का क्या सही हो गया, डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं, ठीक है? 44 का डी हो गया आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगार शब्द का तत्सम मैंने कराया है, इसका आंसर दीजिए। और मैंने बहुत अच्छे से कराया है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके इस बार किसी न किसी शिफ्ट में सिंगार पूछा जाए, मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है। देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं उनमें से कम बता रही हूँ 20 से 25 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने के मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात होती है प्रैक्टिस सेट से 20 से 25 क्वेश्चन फंसना, ठीक है? हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं वो सब एक बार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा बताइए इसका आंसर? 45 का कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार, देखो ये वाला श्रृंगार नहीं होगा,
बहुत से लोग ये वाला लगा देंगे, ये नीचे जो रहा होता है ये नहीं निकलता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है चलिए, गृहद्र शब्द का तद्भव रूप है, बताइए क्या है। तो क्या है इसका तद्भव रूप? गीद। क्या है? गीद। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है 47। तो क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, जो मक्खी है उसका तत्सम रूप बताइए। मैंने ये किसी और प्राकृतिक सेट में भी आया है तो बताइए, अब तो सबको पता होगा जो मक्खी शब्द है उसका जो तत्सम होता है वो मच्छिका होता है। क्या होता है? मच्छिका, ये वाला। ठीक है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, मच्छिका। शत्रु का समानार्थक शब्द है, शत्रु का समानार्थक शब्द कौन सा है? जरी, तरी, अरी, बताइए तो कौन सा होगा? देखिए शत्रु का समानार्थी शब्द होता है अरी। क्या? अरु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है चलिए, विराट का विलोम शब्द है विराट, विराट का मतलब क्या होता है बताइए? विराट का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो विराट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, और क्षुद्र मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नीचा, विराट। ठीक है तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलिए आगे, स्पृश्य का विलोम बताइए, स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। ठीक है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 51। ठीक है यमुना का पर्यायवाची है बताइए, यमुना का पर्यायवाची बताइए, कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी, बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची होगा कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो देखिए दास का पर्यायवाची अनुचर भी होता है, भृत्य भी होता है, सेवक भी होता है, लेकिन परिकर नहीं होता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, परिकर दास का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है चलिए आगे, निम्नलिखित पद पर एक प्रत्यय लगाने से बने, इनमें से कौन सा पद गलत है? देखिए दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक, बताइए कौन से में नहीं लग रहा है? तो देखिए दैविक में लिख रहा है, ठीक है इसमें भी लग रहा है, सामाजिक में, भौमिक में भी लग रहा है, पक्षिक में नहीं लग रहा। किस में नहीं लग रहा? पक्षिक में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, पक्षिक ठीक है इसमें नहीं लग रहा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्कार शब्द में किस उपयोग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए संस्कार में जो प्रयोग हुआ है वो किसका हुआ है? तो सम का हुआ है। किसका हुआ है? सम का हुआ है। ठीक है सम प्लस कार, सम प्लस कार, संस्कार। ठीक है तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए रेलगाड़ी शब्द है, जो रेलगाड़ी है वो कैसा शब्द है आपका? मैंने बताया है बताइए, तो रेल कैसा, ये रेलगाड़ी जो है वो कैसा शब्द है? वो संकर शब्द है। देखिए संकर शब्द क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, संकर शब्द वो होते हैं जो दो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, रेल प्लस गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाएँ हैं, ठीक है ना, उससे मिलकर बने तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक है ग्रह विहीन बेघर के शब्द क्या नकारते हैं बताइए? किसके हैं? तो किसके हैं? तो ये किसके अघे, किसके अघे, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर है। पाप पातक के शब्द क्या नकारते हैं? कौन से? पाप पातक। ठीक है पाप पातक ठीक, किसके हैं ये? आपके अघ के, किसके अघ के, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, एक की वर्तनी अशुद्ध बतानी है बताइए, कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल। अब बताओ किसकी गलत लग रही है, साफ साफ दिख रही है उसमें तो बताइए, बताइए ठीक है, तो किसकी गलत है? राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है सांस होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसकी अशुद्ध है। ठीक है चलिए, इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है, क्या पूछा है? शुद्ध पूछा है, बताइए क्या होगा? सष्टम, सहस्त्र, अनुसंगिक, अनुसांगिक होता है, तो क्या है दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध हो गया आपका अंतर्दान, कौन सा शुद्ध हो गया? अंतर्दान, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा शुद्ध हो गया? अंतर्दान। ठीक है संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण बताइए आप लोग, संस्कृति का विशेषण बताइए,
तो संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में क्रिया का सामान्य भूतकाल में है? क्या पूछा? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में, बताइए। तो किसमें? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी और उसने पुस्तक पढ़ी थी उसने, तो किसमें भाई? सामान्य भूतकाल में उसने पुस्तक पढ़ी, उसने खाना खाया, मैंने ये काम किया, इस तरह से। इनमें से इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, बकरी, रोटी, बताइए किसमें? पुल्लिंग बताना है ना, ठीक है, बताइए बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? पानी, मेरा पानी, मेरी पानी नहीं होता कभी भी, मेरा पानी, मेरी रोटी हो जाएगा, ठीक है, मेरी नदी हो जाएगा, मेरी बकरी हो जाएगा, लेकिन मेरी पानी नहीं होगा, मेरा पानी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा भेद बताइए, क्या हो जाएगा बताइए। 63 का तो क्या हो जाएगा भाई? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, किसी का बुढ़ापा तुमने देखा है क्या? ठीक है, बुढ़ापा आप फील नहीं कर सकते, जब फील कर सकते जब आप होगे। तो ऑप्शन सी ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विवेकी, क्या? उचित और अनुचित का ज्ञान हो। करी, चिक्कार, घोर, अति, धावा, बदनू, परसरी, गगन, सिद्ध, सुर, त्राशित, हाहा, हेती, पुकार, कौन सा रस है इसमें? तो कौन सा रस है? भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक। ठीक है, कह रहा है ना, घोर हुए, बदन, ये सब पढ़ के पता चल रहा है। चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए। तो क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। पौवारह होना, पौवारह होने का मुहावरे का अर्थ बताइए, किसका पौवारह होना बताइए, क्या होता है पौवारह होना? तो क्या होता है बताइए, तो क्या होता है? अत्यधिक लाभ उठाना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो अत्यधिक लाभ होता है तो उसे बोलते हैं पौवारह होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? मैंने आज ही कराया है, कौन सी क्लास में? रचनाओं की क्लास में, बताइए। और देखिए प्रैक्टिस सेट में भी पूछ लिया गया, बताइए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बनाया तो है नहीं ये प्रैक्टिस सेट मैंने, बुक का ही है, लेकिन उसमें भी है। तो किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ऑप्शन सी, जिसने वो क्लास देखी है। एक और चीज़ बताएंगे मुझे, ये कौन से उसके थे, कौन से काल के थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है बताइए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र। ठीक है, पंच परमेश्वर, प्रेमचंद, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर बताइए कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। अब पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर देने। उम्मीद है आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ ध्यान से, उसके बाद इसके आंसर देंगे, और आप भी ध्यान से पढ़िएगा। ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं। फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से, आगे देखती हूँ मैं, जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। ठीक है, पानी में जो अमृत तत्व है उसे जानता है और धूप में तप छुपा चुका है, वह नहीं जिसका वास्ता रेगिस्तान से कभी पड़ा नहीं। ठीक है, सुख देने वाली वस्तुएं पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उनके मजे बाद में लेते हैं। जो मूल्य, जो स्वाद अधिक मिलता है, भोजन का असली स्वाद उन्हीं को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकते हैं। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परामर्श का उपदेश नहीं, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 71 क्वेश्चन, फूलों की छाँव के नीचे खेलते
और सोते हैं। इस लेखक से तात्पर्य क्या है कि पेड़ जो पौधों के नीचे, बताइए क्या है इसका, बताइए। तो क्या है, पेड़ जो नीचे बिताते हैं जो गरीब हैं उनके लिए। तो इसका उद्देश्य है जिनका लालन पालन सुख सुविधाओं में होता है उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, पानी में जो अमृत तत्व है उसे जानता है, धूप में तप चुका है, कथन का क्या अभिप्राय है, बताइए। इसका भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। पानी की कीमत प्यासा व्यक्ति समझता है, पानी की कीमत रेगिस्तान में रहने में सुखमय जीवन का मैं तो वही समझ सकता है जिसने आवाब देखे हो। और अगर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सुख का आनंद किसे अधिक मिलता है, सुखी लोगों को जिनके पास धन दौलत है उनको, या फिर जो सुख प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं उनको, या जिन्होंने कभी दुख देखे ही नहीं, तो बताइए किनको मिलता है। तो किसके लिए मिलता है, किसके लिए मिलता है, जो सुख प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं उनको फल मिलता है, जो क्योंकि आप जो बच्चे अभी दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, लगे पड़े होंगे, उनको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में आनंद प्राप्त करने का उपाय क्या है, बताइए क्या है। कर्म करते रहो, संयम पूर्व भोग का सुख लेना, दूसरों को प्रदान करना सुख और उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो किससे है, संयम पूर्ण भोगों का सुख लेना, ठीक है, ये इसमें दे रखा है आंसर। जिंदगी की असली वजह उनके लिए नहीं जो फूलों के छाँव के नीचे खेलते हैं, सोते हैं, वाक्य किस प्रकार का है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 75 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन। तो बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं 37 में से। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में कर देना, हम वीडियो बना देंगे उसके लिए, उससे रिलेटेड हर डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत कम समय बचा है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।